कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर तकिए और कंबल लेकर जाते हुए देखे गए। वो यहाँ खाना खाते हुए भी दिखाई दिए। बीजेपी के विधायक MUDA मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने रात में सदन में अपना धरना जारी रखा और रात यहीं बिताई। बुधवार को विधानसभा में हुए हंगामे के चलते कार्यवाही 25 जुलाई तक के लिए स्थगित की गई है। आपको बता दें, बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को घोषणा की कि वो मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा द्वारा भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़े के संबंध में चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर विधानसभा और विधान परिषद दोनों में दिन रात धरना देगी। भूखंड प्राप्त करने वालों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल है। विपक्ष को दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। विधानमंडल का सत्र शुक्रवार को खत्म होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने कहा, कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं। जब हम मुडा घोटाले में 4000 करोड़ रुपए की लूट के बारे में स्थगन प्रस्ताव लाए तो सरकार डर गई और चर्चा से भाग रही है। उन्होंने वित्त विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया। यह सरकार डरपोक है। उनके पास सदन में मुडा के आरोपों का जवाब देने की हिम्मत नहीं। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर सरकार में थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो उसे सदन में यह कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 14 भूखंड को कानूनी तरीके से लिया और उनके समर्थकों ने ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा, यह 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। दलितों की 1,00,000 वर्ग फुट से अधिक जमीन लूटी गई। हम इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, हमें इसकी अनुमति नहीं दी गई। सत्ता पक्ष के पक्ष में स्पीकर का आचरण निंदनीय है। सत्ता पक्ष और स्पीकर द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने के इस आचरण की निंदा करते हुए हम दिन रात प्रदर्शन की घोषणा करते हैं। हमारे सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य इस सरकार के खिलाफ दिन रात विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए